नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जय जय मौर्य आज एक और मोटिवेशनल कहानी आपके लिए लाया हूँ। ये मोटिवेशनल कहानी यह बताती है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ बेहतर करने की गुंजाइश होती है। तो इस कहानी की शुरुआत हम करते हैं, इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वह एक मूर्तिकार है, जो बहुत अच्छा मूर्तिकार है और हमेशा अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाकर बेचता है और उससे ही उसका गुजारा चलता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसे एक पुत्र होता है, वह पुत्र भी बचपन से ही मूर्तियां बनाने लगता है पिताजी का देख के, और वह भी काफ़ी अच्छी मूर्तियां बनाने लगता है और वह इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता है कि बाप को देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन वह बाप अपने बेटे की कभी प्रशंसा नहीं करता। हमेशा जब भी वह मूर्तियां बनाता था तो उसमें वह कुछ ना कुछ कमी अपने बच्चे के उसमें निकाल देता था और बच्चा भी बड़े प्यार से वह कमी को दूर करता था। इस तरह बच्चे की बहुत प्रगति हो जा रही थी। हमेशा वो जब भी वो अपने मूर्ति को अपने पिताजी को दिखाता, पिताजी उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कमी निकाल देते और बच्चा उसको ज़रूर दूर करता। इस तरह वह बच्चा एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हो गया और मूर्तिकार होने पर उसका यश ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे मूर्तियाँ खरीदने लगे। लेकिन फिर भी जब भी वह मूर्तियां बनाता उसके पिताजी उसमें दोष जरूर निकालते। अब बच्चे को खराब लगता लेकिन फिर भी वह मन मार कर उसमें सुधार कर लेता और उसकी प्रगति होते जा रही थी। लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसकी मूर्तियां बहुत अच्छी तरह बिकने लगी और उसकी पिताजी के मूर्तियों को कोई खरीदार न मिला और उसका काफ़ी नाम हो गया। लेकिन वह अब भी जब मूर्तियां बनाता तो उसमें उसके पिताजी कुछ न कुछ जरूर दोष निकालते। आखिर उसे एक दिन सहन नहीं हुआ, उसने कहा पिताजी बस हो गया, आप रोज कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं, जरा आप इतना ही अच्छा जानते हैं तो आपकी मूर्तियां क्यों नहीं बिकती, मेरी मूर्तियां आपसे अच्छी बिकती हैं, इसका मतलब मैं अच्छा कलाकार हूं और आप मुझे रोज रोज टोकना बंद कर दीजिए। पिताजी भी चुप हो गए और उन्होंने उसको टोकना बंद कर दिया। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, बच्चे की मूर्तियां बिकती रही और उसका नाम भी होता रहा। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके मूर्तियों में इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया, मूर्तियों का भाव भी कम हो गया और लोगों ने उसे पूछना भी बंद कर दिया। तो उसे महसूस हुआ कि जरूर मुझसे कुछ गलती हुई है और वह अपने पिताजी के पास गया कि पिताजी ऐसा क्या हो गया कि मेरी मूर्तियां बिकनी बंद हो गई, लोगों ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। पिताजी ने उसे बहुत समझाया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कहा पिताजी आपको ये मालूम था कि मैं गलती कर रहा हूँ तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं रोका। तो उसने कहा बेटा ऐसा है कि ये गलती मेरे साथ भी हो चुकी है, मेरे पिताजी ने भी रोका था, मैं रुका नहीं और फिर मैं तुझे रोक रहा था, तुम भी रुकने के मूड में नहीं थे इसलिए मैंने रुका नहीं और मैंने समय का इंतजार किया। तो पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उसने कहा बेटा देखो जो भी चीज़ है ना, आदमी जब कोई काम करता है, कोई चीज़ बनाता है, कोई व्यापार करता है, कोई कलाकारी करता है, कोई एक्टिंग करता है, तो हर काम में हमेशा कुछ बेहतर करने की गुंजाइश होती है। और आदमी जब अपने काम से असंतुष्ट रहता है तो वह हमेशा अच्छा करता है, उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है। जब मैं तुम्हें तुम्हारे मूर्तियों के बारे में टोकता था तो तुम असंतुष्ट होते थे और कुछ और अच्छा करते थे, कुछ और अच्छा करते थे इसलिए लोगों को तुम्हारे काम में कुछ ना कुछ नवीनता लगती थी और लोग तुम्हारे तरफ आकर्षित होते थे और तुम्हारी मूर्तियां बिक जाती थी। लेकिन जब तुम असंतुष्ट होना छोड़ के संतुष्ट हो गए तो तुम्हें लगा कि अब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ गुंजाइश ही नहीं है, तो लोग तुम्हारे काम से बोर होने लगे और लोगों ने इंटरेस्ट करना छोड़ दिया। तो उसने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी और कहा पिताजी आप मुझे जब भी जैसा भी सलाह देंगे, जो भी मेरी गलतियां दिखाएंगे उस गलतियों को मैं सुधारूंगा और आगे से ये गलती नहीं करूंगा। मित्रों जीवन में भी ऐसे ही है, हम जो भी काम करते हैं उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है और हम अच्छा से अच्छा कर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम असंतुष्ट हो गए तो हम वहीं रह जाते हैं, जिस दिन हम संतुष्ट हो जाते हैं हम उसी दिन वहीं रह जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो हमें अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ बेहतर करते रहना चाहिए। अब आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि पहले बात करने के लिए लैंडलाइन फ़ोन था, ऐसे घुमा घुमा के
फोन किया जाता था, फिर उसके बाद उसी में डिजिटल आया जिसमें नंबर दबा के फोन किया जाता था। फिर किसी ने सोचा कि और इससे बेहतर गुंजाइश की उम्मीद है, तो किसी ने कीपैड वाला फोन बना दिया, उसको हम जेब में लेके घूमने लगे। फिर किसी ने सोचा कि नहीं, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, फिर उसको टच स्क्रीन बना दिया। फिर किसी ने सोचा कि नहीं, इसको तो और भी काम में ले जा सकता है, तो उसमें उसने कैमरा डाल दिया। कोई और भी उसमें खोज किया तो उसमें रेडियो डाल दिया। इस तरह उसमें एक एक बढ़ते गए, और फिर लोगों ने सोचा कि हम जब कंप्यूटर पे बैठ के इंटरनेट यूज कर सकते हैं तो हम मोबाइल पे क्यों ना करें, हम हर जगह क्यों ना करें। तो अगर लोग संतुष्ट हो जाते तो नहीं कर पाते, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए और खोज के लाया मोबाइल इंटरनेट। आज मोबाइल इंटरनेट ने दुनिया में तहलका मचा दिया है, पूरी दुनिया हमारे फोन के अंदर हो गई है और हम दुनिया का इससे सब काम कर पाते हैं। चाहे हमें डिक्शनरी देखना हो, चाहे हमें मूवी देखना हो, चाहे फोटो निकालना हो, चाहे कहानी बनाना हो, चाहे सोशल मीडिया पे जाना हो, चाहे बात करना हो, हमें ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। बैंकिंग करना है, कुछ खरीदना है, कुछ देखना है, यहाँ तक कि कोरोना काल में पूरी दुनिया अगर चली तो सिर्फ इसी मोबाइल इंटरनेट के कारण चली है। तो मेरे कहने का मतलब और इस कहानी का सार ये है कि हमें अपने काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हर काम में कुछ बेहतर करने की गुंजाइश होती है। और दुनिया इसी तरह चल रही है, जिस तरह नॉर्मल लैंडलाइन फ़ोन आज तुम्हारी दुनिया की जो ये टच स्क्रीन वाली फ़ोन आ गई है, और ये टच स्क्रीन वाली फ़ोन ने कर लो दुनिया मुट्ठी में जो धीरू भाई का सपना था वो आज लगता है कि पूरा हो गया है। हर आदमी ने दुनिया को अपनी पूरी मुट्ठी में कर लिया है। तो कहानी का बस इतना ही है कि हम कभी अपने काम से संतुष्ट न हो और उसमें कितना और अच्छा कर सकते हैं यह करते जाएं या देखते रहें। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह कहानी अच्छी लगेगी, और आपको यह कहानी अच्छी लगेगी तो आप इस कहानी को शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करते रहोगे। धन्यवाद। नमस्कार।